तो आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी पनीर ब्रेड रोल्स और ये बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ले लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है। और अब हम ले लेंगे एक छोटा सा प्याज जिसे मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है और थोड़े से धनिया के पत्ते, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर और हम ले लेंगे 2/3 टेबल स्पून नमक, आप इसे अपने अकॉर्डिंग ले। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा पनीर का स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार है। और मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है और अब हम इसके चारों साइड को अलग कर लेंगे जिससे जब हम इसे रोल करें तो ये बहुत ही इजीली रोल हो जाए। और अब हम इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेंगे और अब हम इसमें टमाटो सॉस भी लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो इसके प्लेस पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर स्टफिंग ले लिया है और अब हम इसे सिलिंड्रिकल शेप देंगे जिससे ये इजिली रोल हो जाए। और अब हम पनीर स्टफिंग को इस तरीके से ब्रेड में रखेंगे और इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है, हम इसमें बटर लगा लेंगे और एक एक करके ब्रेड रोल्स को इसमें रखेंगे। और अब हम ब्रेड रोल्स को लो फ्लेम पे चारों तरफ से पलट पलट कर सेक लेंगे और इसे मैंने चारों तरफ से पलट पलट कर सेक लिया है और अब हमारा सुपर टेस्टी पनीर ब्रेड रोल्स बिल्कुल तैयार है।